विलास जगदाले का वीडियो मैंने शेयर किया क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद लोगों की फटेगी और फटना बहुत ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस आ जाए कि ये कुछ तो एकदम सीरियस चीज़ चल रहा है। दिस इज़ समथिंग विच नो वन कैन इग्नोर। बहुत सारे गधे लोग हैं, दे थिंक अपने को क्या करने का है। अमीन तो हमेशा प्रॉब्लम बताता है, सॉल्यूशन नहीं, अपन क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन इवॉल्व होगा। फर्स्ट थिंग इज रियलाइज देर इज अ प्रॉब्लम, फिर उस पर डिस्कशन होगा, लोग उस पर डिस्कशन करेंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन इवॉल्व होगा। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन नहीं रहता इतने बड़े प्रॉब्लम का। सामने को ने देखो, एक इतना बड़ा होक्स चलाया गया है। तुमको लगता है ये लोग अपने वेबसाइट पे सच्चा लिखते हैं, जबकि मतलब ये जो विलास जगदाले वीडियो बनाता है इनके वेबसाइट और इनके न्यूज से कंटेंट उठा के कनेक्शन जोड़ के जो कंटेंट बनाता है वो न्यूज सच्चा है? वो आर्टिकल्स जो स्कैम चला रहे, वीरू आया जिन्होंने झूठा हिस्ट्री लिखा, हिस्ट्री भी बहुत सारा झूठा है, झूठा साइंस का किताब लिखा, और वो लोग के न्यूज़ आर्टिकल और आर्टिकल्स रिसर्च पेपर वो सब सच्चे, इसमें से 95% झूठा है, 90% एटलीस्ट झूठा है। लेकिन डिफिकल्ट ये है कि उसमें से कुछ सच्चा है तो सच्चा कौन सा है, झूठा कैसा है, कौन सा है, ये फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है। चलो वो अपने जैसे लोगों के लिए ठीक है कि कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है, लेकिन जो नए लोग हैं जिनको अपन अवेयर करना चाहते हैं वो लोग को अगर वीडियो शेयर करते हैं तो फटेगी, कुछ अलर्टनेस आएगा और उनको पता चलेगा कि कुछ तो सीरियस चल रहा है, जान पे खतरा है। ये रियली सीरियस मामला है जो लोग लाइटली ले रहे, इग्नोर कर रहे। दिस थिंग इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीथिंग। तुम्हारा बैंक खाता जीरो होने वाला है, तुम कर्जे में डूबोगे, तुमको आर्थिक रूप से बर्बाद किया जाएगा, टोचन देके बीमार किया जाएगा। अभी इससे ज़्यादा सीरियस मैटर क्या हो सकता है? घर के लोग को मार दिया जाएगा टोचन देके, हमेशा बीमार रखेंगे, हॉपिस्टल अभी वर्ड यूज करना पड़ता है, वो उधर एडमिट करके बर्बाद किया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा सीरियस क्या हो सकता है? दिस इज समथिंग विच इज़ रियली सीरियस एंड इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीबडी। जो इग्नोर कर रहे हैं उनको भी, और जो अमीर है, गरीब है, गमीर है उनको भी, तो कोई भी बचने वाला नहीं है इसमें से।